मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का वीडियो आपके लिए, कल जो आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट का वायवा होने वाला है ना, तो इस सब्जेक्ट के बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, या फिर आपने स्कीम देखी होगी तो आपने जो भी टर्म देखे होंगे, है ना। तो इसके लिए ये एक शॉर्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे आपको कल इसके वायवा देने में या इसका जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने में थोड़ा आसानी हो, इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। प्रोफेशनल डेवलपमेंट 3, ठीक है ना। तो इसमें पहला है टीम लीडर, ठीक है। पहला टॉपिक है टीम लीडर। टीम लीडर एक्चुअली होता क्या है, आप देखिए मैंने डेफिनेशन दी है, इंग्लिश वालों के लिए भी दी है, हिंदी वालों को मैं हिंदी में समझा दूंगा, ठीक है। अ टीम लीडर इज अ पर्सन हु प्रोवाइड गाइडेंस, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन, लीडरशिप टू अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग अ की रिजल्ट और अ ग्रुप अलायंस रिजल्ट। द टीम लीडर मॉनिटर द क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अचीवमेंट द टीम एंड रिपोर्ट द रिजल्ट टू मैनेजर। तो टीम लीडर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एक ग्रुप को या एक टीम को गाइडेंस देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, डायरेक्शन देता है, और जो उस टीम के गोल्स होते हैं उनको अचीव करने में सहायता करता है, ठीक है। टीम लीडर जो होता है वो मॉनिटर करता है आपका क्वांटिटेटिव क्वांटिटी कैसी है और क्वालिटी कैसी है अचीवमेंट, ठीक है। दोनों के क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करता है और क्वालिटी वाला एनालिसिस भी करता है। इस पूरी टीम का पूरा एनालिसिस करके वो पूरा एक रिजल्ट बना के मैनेजर को सबमिट करता है। ये टीम लीडर की जो डेफिनेशन है ये एक बिजनेस पर्पस से है, ठीक है। तो टीम लीडर आप लोगों को समझ में आ गया कि टीम लीडर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उस टीम को गाइड करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है और उस टीम का जो पर्पस होता है उसको एक टीम की तरह लीड करता है, वो कहलाता है टीम लीडर, ठीक है। समझ में आया, आगे बढ़े अपन। इंपॉर्टेंस, टीम लीडर का इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए टीम लीडर आर असेंशियल टू एग्जीक्यूट योर विजन फॉर द बिजनेस, ठीक है। मैंने ये पहले बता दिया है, ये जो डेफिनेशन है ये बिजनेस पर्पस से दी गई। अलग 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 रोल में अलग अलग टीम लीडर्स होते हैं, ठीक है ना। तो नोटेशन दे देता हूँ मैं, देखिए टीम लीडर आर असेंशियल टू एग्जीक्यूटेड योर विजन फॉर द बिजनेस एंड इन द सेटिंग टू टर्न ऑफ योर स्टाफ। लीडर्स ऑफर अ गाइडेंस टू ऑल मेंबर ऑफ टीम टू इंश्योर दे आर फुलफिलिंग देयर रोल्स। इफेक्टिव टीम लीडर्स इंश्योर दैट द टीम मॉरल रिमेंस हाई एट वर्क, वर्कर्स आर मोटिवेटेड टू परफॉर्म, ठीक है। तो क्या है, जो टीम लीडर है उसका इंपॉर्टेंस ये है कि भाई ये कभी भी आपको हमेशा मोटिवेटेड, जो आपकी टीम रहेगी उसमें मोरल, उसका मोरल कभी डाउन नहीं होने देना है। मोटिवेटिव जो वर्कर्स हैं उनको मोटिवेट रखना है, काम के लिए प्योरली डिवोटेड होना चाहिए, और जो लीडर है वो समय समय पर आपको उस टीम को गाइडेंस करता रहेगा, है ना। और ये आपका मेन जो रिजल्ट है, मेन जो आपका विजन है, उस जो टीम है वो टीम, जिस पर्पस के लिए वो टीम बनाई गई है उसको अचीव करने के लिए एक टीम लीडर की आवश्यकता जरूरी होती है। ये एक इम्पोर्टेंस होता है किसका, टीम लीडर का, ठीक है ना। आगे बढ़े अपन, अगला है सॉरी इम्पोर्टेंस हो गया आगे। हाँ, अब टीम लीडर के रूल, सॉरी रोल, ठीक है। एक टीम में टीम लीडर का क्या रोल होता है वो देखिए आप। डेवलप आ स्ट्रेटजी, ठीक है। तो भाई आपके पास, आपको जब किसी आपने एक टीम बनाई है उस टीम में एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि भाई इस स्ट्रेटजी के तहत हमें किसको क्या करना चाहिए, अपन इस गोल को अपन को पालेंगे। तो ये रोल है टीम लीडर के, ठीक है। टीम लीडर प्रॉपर कम्युनिकेट कर सके, आपकी जो भी टीम है टीम मेंबर से प्रॉपर
कम्युनिकेटर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर होना चाहिए भाई कि उसने कुछ बोला है तो सबको क्लियर होना चाहिए, वो सबसे फीडबैक लेगा, ठीक है। तीसरा है लिसन टू देम, लिसन टू टीम मेंबर्स, ठीक है, तो सभी मेंबरों को प्रॉपर बराबर की हिस्सेदारी, बराबर का वेटेज देगा कि भाई सभी की बात सुनी जाएगी, हर एक टीम मेंबर को उतना ही महत्व देगा सभी को देना चाहिए, ठीक है। मॉनिटर टू टीम मेंबर्स, ठीक है, सभी को टीम में जो जितने भी टीम मेंबर हैं उन सभी को वो वॉच करेगा कि भाई कोई काम कर रहा है, कुछ को जिसको जो काम दिया है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। मेक द वर्क इंटरेस्टिंग, और उसका ये टीम लीडर का ये रोल होना चाहिए कि आपको कोई जो भी आपने अपनी टीम को वर्क दिया है उसको क्या नहीं होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए, उस वर्क को इंटरेस्टिंग बनाए रखना है ताकि आपके जो टीम मेंबर हैं उनको वर्क करने में सहायता मिल सके। मोटिवेटिव एंड इंस्पायरिंग टीम मेंबर, ठीक है, तो और समय समय पर आप अपने टीम मेंबर को मोटिवेट करना है और नए नए काम के लिए क्या करना है, इंस्पायर करना है, ठीक है। तो ये सारे, ये जो इतने सारे हैं ये रोल हैं किसके, टीम मेंबर के, सॉरी टीम लीडर के एक टीम में, ठीक है। ठीक है, अगला, ठीक है, रोल हो गए क्वालिटी, ठीक है। एक टीम लीडर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए वो भी है, ठीक है। सबसे पहला तो प्रॉपर आप क्लियर कम्युनिकेटर होना चाहिए, क्लियर कम्युनिकेटर तो आपको समझ में आ गया कि भाई अपनी बात सामने वाली टीम मेंबर जो भी हैं, जितने भी मेंबर हैं सबको समझ में आनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्किल होनी चाहिए, ठीक है, टीम को पूरा मैनेज करके रखना है, सबको बराबर का काम देना है, सबको किसको क्या काम देना है, ये सारी चीजें हर टीम मेंबर को पता होनी चाहिए, ठीक है, है ना। कॉन्फिडेंट इन द टीम, आप अपनी टीम भाई जो आप जो भी टीम लीडर है उस टीम लीडर को पता होना चाहिए कि भाई हमें ये हम इस टीम के द्वारा ये गोल हम प्राप्त कर सकते हैं, एक सब कोई भी एक आपकी जो भी टीम का गोल होगा वो हम अचीव कर सकते हैं। दूसरा चौथा है रिस्पेक्टफुल टू अदर्स, ठीक है, जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं, बड़े हैं छोटे हैं, आपसे बड़े भी हैं छोटे भी हैं, रहते हैं मैं टीम मेंबर, तो अलग अलग टीम मेंबर्स रहते हैं, यंग टीम मेंबर्स भी रहते हैं, ओल्ड टीम मेंबर्स भी रहते हैं, तो सबकी रिस्पेक्ट करना है आपको, एक टीम लीडर की क्वालिटी होती है। फेयर एंड काइंड, टीम लीडर को सभी मेंबर से फेयर बिहेवियर रखना होता है और दूसरों के प्रति काइंड भी होना चाहिए, ठीक है, दयालु। एन एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रिटी, और टीम लीडर की एक इंटीग्रिटी भी होनी चाहिए, है ना, एक अपनी वैल्यू, समझ रहे हैं, इनोवेशन, ठीक है, तो टीम लीडर में एक इनोवेशन वाली क्वालिटी, नए इनोवेटिव आइडिया आने चाहिए, किसी भी टीम आपको कोई भी एक टीम मेंबर टीम है आपकी उसमें उस टीम में जो भी आपको विजन है उसको पूरा करने के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए, नए नए आइडियाज आने चाहिए कि भाई इस नए नए तरीके से हम इस काम को कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको भाई आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए टीम लीडर को, और उसको हर अपने टीम मेंबर को एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलानी पड़ती है, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीम लीडर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करे, ठीक है, है ना। तो ये सारी थी टीम लीडर की क्वालिटीज। अब आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, अब आते हैं बिहेवियर ऑफ टीम लीडर, ठीक है। तो एक टीम लीडर बिहेवियर ऑफ टीम लीडर, तो सबसे पहला है कि इमोशनली कनेक्टेड होना चाहिए भाई, किसी कोई भी टीम मेंबर है उसका कुछ भी मतलब इमोशनली जो टीम लीडर है वो इमोशनली कनेक्ट होना चाहिए भाई, कोई प्रॉब्लम आ जाती है टीम में, एक टीम बनी हुई है उसके टीम लीडर भाई टीम मेंबर कोई ना किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है, तो उससे जो टीम लीडर है वो उस उन मेंबरों से क्या होना चाहिए, इमोशनली कनेक्टेड होना चाहिए। क्लियर विजन, ठीक है,
भाई आपका क्या लक्ष्य है वो आपको क्लियर होना चाहिए टीम लीडर को, और यही टीम लीडर ही अपने टीम मेंबर को बताएगा कि भैया हमारा विजन ये है, हमें अपने विजन से नहीं भटकना है। कम्युनिकेशन, आपने देखा होगा हर एक चीज में कम्युनिकेशन आ रहा है, तो कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो प्ले करता है टीम लीडर मैनेजमेंट में। ठीक है, तो टीम मैनेजमेंट में सबसे बेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन। विदाउट कम्युनिकेशन कुछ भी पॉसिबल नहीं है इसमें, समझ रहे हो ना। तो कम्युनिकेशन बहुत प्रॉपर होना चाहिए कि भाई सारी चीजें एक मतलब एक चैनल के थ्रू दूसरे चैनल पे प्रॉपर वे में जानी चाहिए। ठीक है, डेवलप्स अदर, डेवलपिंग अदर। ठीक है, तो टीम लीडर जो होता है वो ऐसा नहीं है कि आपको जो चीज आती है तो वो आप अपने टीम मेंबर को नहीं बताएंगे। तो टीम में हालांकि आपकी सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम भाई इसको सिखा देंगे तो आगे चल के ये भी टीम लीडर बनेगा, तो ऐसी ऐसी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। आपको ये स्किल होनी चाहिए कि भाई मैं मुझे आती है तो मैं दूसरों को सिखाऊं और दूसरे किसी तीसरे को, ताकि सभी लोग आपस में बढ़कर काम कर सके। बींग कोलोबरेटेड, वही वही चीज है कि भाई हमको मिलजुल कर काम करना है। बींग कोलोबरेटेड का मतलब है हमको एक साथ मिलजुल के काम करना है और सारी अपने विजन को अचीव करना है। इनोवेटिव, नए नए इनोवेटिव आइडिया आने चाहिए। आप इनोवेटिव आइडिया आपके लिए आए हैं तो आपको सभी जितने भी आपको टीम मेंबर हैं सभी को आपको उनसे डिस्कस करना है, उनपे उनका फीडबैक लेना है कि भाई इसको हम यदि ऐसा कर देंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या सजेशन आपको टीम मेंबर से लेने हैं। ठीक है, टेकिंग इनिशिएटिव सबसे स्ट्रॉन्ग क्वालिटी होती है कि आपको डिसीजन लेना है, टीम लीडर को ही डिसीजन लेना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी मैंने आगे बढ़े तो मैंने आपको इस वीडियो में टीम लीडर के बारे में बताया। ठीक है, मैंने टीम लीडर के बारे में बताया, उसके इम्पोर्टेंस क्या है वो बताया, रोल क्या है टीम लीडर का, और क्वालिटी क्या होती है और बिहेवियर क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपके जो कल प्रोफेशनल डेवलपमेंट का आपका एक टॉपिक है, टीम लीडर क्या होता है, क्वालिटी क्या होती है और बिहेवियर कैसा होता है, तो ये सारी चीजें मैंने कवर करके आपको बता दी हैं और उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा, है ना। तो हम इस वीडियो को यही पॉज करते हैं। ठीक है, आगे एक और वीडियो में बनाऊंगा जिसमें आपको प्रोफेशनल एथिक्स समझाऊंगा। ठीक है, प्रोफेशनल एथिक्स समझाऊंगा, उसका थोड़ा सा ही पार्ट मैंने बनाया है। ठीक है, ज्यादा ड्यूरेशन समय बहुत कम है ना, तो इतना ही कर पाया मैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू आप सभी लोगों का, है ना।